वालेकुम इस सेशन में हम देखेंगे कि पर्सनल स्टोरीज़ यानी आपके साथ कुछ आप बीती जो है आपकी वो आपके लिखे हुए को कैसे एनरिच कर सकती है यानी कि एनेकडोटल एविडेंस या जो कोई एक्चुअल इंसिडेंट्स हुए जिसमें कोई लोग थे आप थे किसी के साथ कुछ हुआ उसको आप डाल के अपने किसी ब्लॉग में या किसी आर्टिकल में कैसे जान डाल सकते हैं ये देखते हैं कि इसका आ, क्या लुफ्फ आता है उसमें ऐड करने से स्टोरीज क्रिएट इंटरेस्ट क्योंकि हमें ये हमारे डी का हिस्सा है हम प्री हिस्टोरिक टाइम से हमें शौक है आदत है इंसान को कि वो कहानियाँ सुनते हैं बेशक वो केव मैन थे तब वो कहानी बनाते थे अपने केव की दीवारों पे तस्वीरें बना के या वो आग जला के उसके इर्द गिर्द बैठ के किस्से सुना करते थे और अपनी अगली नस्लों को वो सुनाया करते थे तो कहानियाँ हमारे एक किस्म के डीएनए का या हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा हैं और इसीलिए ये हमें हमेशा आज भी अपील करती हैं कहानियाँ एक इमोशनल इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं आप लोगों ने अगर रीडर्स डाइजेस्ट अगर कभी पढ़ा है तो उसके आर्टिकल्स अक्सर हेल्थ के ऊपर हो या किसी और टॉपिक के ऊपर हो उसमें शुरू में हमेशा एक एनिकडोट या किस्सा होता है कि एक शख्स था उसके साथ ये हुआ उसका ये लाइफ था फिर उसने ये किया तो उसको दिस इज़ वॉट हेल्प दैम या दिस इज़ वॉट मेड दैम गेट अ डिजीज़ या कोई भी किसी एक इंडिविजुअल की कहानी होती है तो उससे आपको इमोशनल इंटरेस्ट होता है मैं पिछले साल मैंने अपने मरूम वालद की उनकी लाइब्रेरी की बहुत सी किताबें और वो मैं देना चाह रही थी तो उनकी मैंने तस्वीरें लेके कर फेसबुक पर डाली कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं जो लोग वो ले लें इनको किताबों को उसमें सबसे पहले जो किताबें गई वो बायोग्राफ़ीस थी यानी कि जो लोगों की अपनी सहान हयात थी और उसमें कोई आज के दौर के या कोई बहुत सोचें आपके बड़े इंटरेस्टिंग या पॉपुलर फिगर्स नहीं थी उसमें जैसे कि नेहरू की थी या ली एक कोका हैं वो फोर्ड कंपनी के हेड थे एक उन्होंने उसको कंपनी को टर्न अराउंड किया था दोबारा से सक्सेसफुल किया था तो इस किस्म के हो सकते हैं हम सोचें कि खुश्क लोग हैं या डल या ड्राई सी होंगी किताबें लेकिन दोज वर द फर्स्ट वंस टू बी अप और जब वो ले भी ली कुछ लोगों ने तो दूसरे लोग पूछते रहे कि वो कहाँ हैं उसकी वजह यह है क्योंकि उनका आज की सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं था ना आज की बिज़नेस की जो स्टडीज़ हैं और जो करंट हुआ है उससे ताल्लुक़ नहीं था लेकिन बात यह है कि क्योंकि उनकी आप भी थी थी उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई थी उसमें कहानियों में इंटरेस्ट होने की वजह से वो एकदम ली गई तो इस इसीलिए लिए कहानियाँ हमेशा इंपॉर्टेंट हैं और ये एक तरीक़ा है कि आप अपनी बात को मेमोरेबल भी बना सकते हैं जो चीज़ किसे की सूरत में बताई जाती है वो हमेशा याद रहती है जैसे कि हम लोगों ने बचपन में सबक आमोज कहानियाँ सबने पढ़ी हैं तो उसमें भी एक सबक बाद में बताया जाता है नेकी कर दरिया में डाल या कोई और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लेकिन एक कहानी होती है और फिर सबक दिया जाता है वैसे भी सबक बताया जा सकता था लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा वो हमेशा याद नहीं रहेगा सो स्टोरीज़ आर अनफर्गेटेबल दे क्रिएट एन इमोशनल होक और इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं इस तरह से अच्छा उसके अलावा स्टोरीज़ लेयर्स ऑफ मीनिंग एड करती हैं किसी कहानी का एक ही मतलब या एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं होती चाहे वो बच्चों की कहानी हो या कोई सबक काम कहानी हो आपने सबने सुनी होगी कछुआ और ख़रगोश की कहानी उसका हमने हमेशा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ा था वो ये था स्लो एंड विंस द रेस अगर अब आप जाके उस पर इंटरनेट सर्च करें तो उस कहानी के बहुत से वर्जनस भी आपको मिल जाते हैं जिसके एंड डिफरेंट हैं किसी में वो दोनों मिलके भी काम कर रहे हैं किसी में कछुआ जीत रहा है किसी में खरगोश जीत रहा है तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भी वो एक कहानी का फॉर्मेट या जो उसका ओरिजिनल फ्रेमवर्क था वो यूज़ किया गया है उसमें से कुछ जो डिफरेंट उन्होंने अब उसमें से मॉरल्स निकाले हैं अब ये है कि यू शुड ऑलवेज़ बी वेल रेस्टेड जो खरगोश था वो पहले से रेस्ट करके नहीं आया था इसलिए उसको रेस के दौरान आराम करना पड़ा तो एक ये है दूसरा ये है कि जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए उससे ध्यान ना हटाएं एक और उन्होंने ये निकाला हुआ है कि डोंट द फोकस इज़ नॉट ऑन यू बट ऑन द गोल तो खरगोश क्योंकि अपने ऊपर फोकस था कि मैं कितना शार्प हूँ मैं कितना तेज़ हूँ तो इसलिए वो हार गया और कछुए ने क्योंकि गोल के ऊपर फोकस रखा था इसलिए हो चाहिए तो दीज आर मल्टीपल वेज़ एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द सेम स्टोरी तो स्टोरीज़ में ये भी इंटरेस्ट है अगर एक उसका लेवल किसी के लिए मुश्किल है या रिलेटेबल नहीं है तो वो दूसरे लेवल के ऊपर उसके साथ रिलेट कर सकता है या दिलचस्पी ले सकता है और इसीलिए देर ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बच्चे उसको अपनी तरह लेंगे बड़े उसको अपनी तरह लेंगे हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसमें दिलचस्पी का एलिमेंट ढूंढ लेगा अच्छा स्टोरीज जब हम बताते हैं कि ये शख्स ये किसी शख्स के साथ एक्चुअली हुआ दैट एड्स क्रेडिबिलिटी टू वॉट वी आर सेंग हम ये नहीं कह रहे कि ये यूं होता है हम ये कह रहे हैं मैं किसी को जानता हूँ जिसके साथ ये हुआ एंड दैट मेक्स इट मोर बिलीवेबल तो मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाले उनका एक मैगज़ीन है नेचरा मैगज़ीन उसके लिए मैं जो घर में कॉम्पोस्ट या पत्तों की खाद बनाई जाती है वो मैं घर में खुद बनाती हूँ उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा उसके बारे में बहुत से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और वो भी लिखी जा सकती थी बट आई मेड इट माई ओन स्टोरी इन्वायरमेंट मेरी फील्ड नहीं है लेकिन उन्होंने फिर भी शौक से वो छापी क्योंकि वो मेरी पर्सनल स्टोरी थी वो मैंने एक्चुअली ख़ुद किया था अपने घर में और दिखाया था कि ये घर में अपनी खाद आप अप तैयार कर सकते हैं तो इस तरह उसमें क्रेडिबिलिटी uh, बन गई हालांकि वो एक बिल्कुल छोटा सा यूनिट है इस काम का हो सकता है बहुत से बड़े बड़े भी होते हैं जिसके बारे में हम लिख सकते थे कहीं से यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके बट बिकॉज इट वॉज़ माई स्टोरी इट हैड दैट मच मोर पावर तो वैसे भी अगर आप देखें कभी डिस्कशन हो गुफ्तु हो अगर कोई कहे साथी कि नहीं ऐसे नहीं होता तो अगर आप कहें नहीं मेरे कज़न के साथ ये हुआ था मुझे उसने बताया था तो दैट इमीडिएटली एड्स वेट टू इट और फिर लोगों को आपकी बात सुननी पड़ती है सो इन दैट वे स्टोरीज आर पावरफुल अगर पर्सनल स्टोरीज़ को थोड़ा सा एम्बेलिश भी कर लें यानी कि थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लें किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को तो वो उससे एक इंटमेसी क्रिएट होती है पढ़ने वाले और लिखने वाले के दरमियान और उस तरह जो है आप रिलेटेबल भी हो जाते हैं और वल्नरेबल भी हो जाते हैं स्टोरी में हो सकता है आप कोई अपना ये बताएं कि आपको भी खौफ महसूस किया या कुछ तो इस तरह पढ़ने वाले को ये फील होता है कि हाँ ये भी हमारी तरह के इंसान है और ये आ, अपने से करीब महसूस होते हैं ये कोई दूर कोई वो रोबोट नहीं है जो लिख रहा है बल्कि हमारे जैसा इंसान है जो लिख रहा है इस चीज़ को सियासतदानों ने भी समझ लिया है अब सब सियासतदान भी अपनी स्पीचेस में अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं और अपना बताते हैं कि हम कैसे स्ट्रगल किया और या हमने कैसे यहाँ पहुँचे हम कैसे किन चैलेंजेस को हमने फेस किया सो so वो अब वो ज़माना नहीं है कि वो अपने आप को ऐसे बताएं जैसे वो किसी पर के ऊपर है अगर आप बराक ओबामा की जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उनकी कोई स्पीचेस देखें तो उसमें वो अपने आप को कहते हैं कि मेरा इतना अजीब सा नाम था और मैं एक स्किनी टीनीजर था और मैं कैसे यहाँ तक आ गया तो जो भी स्किनी टीजर्स उसको देख रहे होंगे वो उसके साथ रिलेट करेंगे कि हाँ शायद हम भी कुछ बन सकते हैं सो दैट्स अ वे टू रीच आउट टू audience अच्छा इसके बाद हम आपको स्टोरीज़ अगर आप लिखें तो उसके बारे में आप उनको आप कहाँ शेयर कर सकते हैं उसकी एक ऑप्शन आपको बताना चाहेंगे ये Fiverr एक वेबसाइट है जिसका कि आप पेज देख रहे हैं इसमें बहुत सारे options हैं जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं असाइनमेंट्स ढूंढना चाहते हैं उसके लिए एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको आप आराम से अपनी तसली से बैठ के देखें इस वक्त हम स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे थे कि स्टोरीज़ को आप कैसे किसी भी टेक्निकल कंटेंट में किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आप लिख रहे हैं उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं स्टोरीज़ को लेकिन अगर आप सिर्फ स्टोरीज़ लिखिए उनको भी मार्केट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ये इनका जो सर्च का पेजेज़ पर आप कुछ भी लिख के जो भी आप करने में इंटरेस्टेड हैं वो आप करके देख सकते हैं लेकिन हम अभी क्योंकि स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं तो हम इसको देख रहे हैं कि स्टोरीज़ का क्या ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना डाला हुआ है कि ये हम ये वाला काम कर सकते हैं हम मूवी का प्लॉट लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसको जो काम करवाने वाले हैं जो इम्प्लॉयर्स हैं वो देख के इनको अप्रोच करेंगे देखेंगे कि इनका प्रोफाइल उनको सूट करता है कि नहीं अपील करता है कि नहीं और फिर वो उनको काम दे सकते तो आप भी इस तरह यहाँ पे डाल सकते हैं लेट्स एक ये यहाँ पे है आई विल डू स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग इन्होंने अपना ये सारा बताया हुआ है कि ये टू हंड्रेड डॉलर्स लेंगी और शॉर्ट फिल्म और आर लॉन्ग टी वी पायलट वो बना के दे सकती हैं थर्टी टू सिक्सटी फाइव पेजेस और ट्वेल्व डेज में वो डिलीवरी कर सकती हैं और ये उन्होंने सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसी तरह आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं दे सकती हैं और जो काम आप कर सकते हैं कितने दिनों में कितने पैसों में उसको कर सकती हैं तो ये जहाँ से लिया यहाँ पे बहुत सारी और प्रोफाइल्स हैं और एक्शन मूवी का किसी ने कहा है कि एक्शन स्टोरीज़ अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स में लिखने में इंटरेस्टेड हूँ तो अगर किसी को वो इंटरेस्ट है वो कर लेंगे और किसी ने कहा है कि मैं सस्पेंस और थ्रिलर और एडवेंचर या फैंटेसी ये जैसे ये यहाँ पे ये वाली मैं स्टोरीज़ लिखने में इंटरेस्टेड हूँ तो आपका जो भी नीच है जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया आप वो बता सकते हैं कि मैं ये कहानियाँ लिख सकता हूँ और जिस जो इसमें इंटरेस्टेड होगा वो आपसे लिखवा लेगा पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है कि जो आप इनको देखें और आपके हाँ मैं भी यही करती हूँ पाकिस्तान की अपनी कोई यूनिक चीज़ें हैं हो सकता है पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज के बारे में आप लिख सकते हो देर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन वीमेन इन पाकिस्तान देर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन के क्या ईशूज़ हैं और क्यों कोई बात उस तरह से बन नहीं रही हो सकता है उसमें कोई इंटरेस्ट हो उसके हवाले से आप कोई ही दें तो ये देखें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या हो सकता है जो बाकी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं उससे कोई हट के हो, हो सकता है हमारी एक जो एंशेंट ईस्टर्न विजडम है उसको दुनिया में क़दर की निगाह से देखा जा जाता है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि टेल्स फ्रॉम माई ग्रैंड मार टाइप की कोई ऑर्गेनिक uh, खाने या रेसिपीज़ के बारे में कोई विजडम और उसको कहानी की सूरत में आप कैसे बता सकते हो सो फाइंड योर नीश जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसको देख के ये ना सोचें कि मैं भी यही करती हूँ आप उसको देख के ये सोचें अच्छा मैं इसमें कौन सी चीज़ें अभी ऑलरेडी नहीं एड्रेस हो रही वॉट कैन आई डू दैट्स डिफरेंट तो वी होप यू इन्जॉय एक्सप्लोरिंग दिस एंड अदर सच ऑप्शनस